अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें कार्यशाला का उद्देश्य पता है कि कैप्सूल निर्माण का कार्य होना है, कैप्सूल से संबंधित विभिन्न पक्षों पर कैप्सूल विकास के क्या आधार होंगे और उससे जुड़ी हुई बातों पर इस सत्र में विचार मंथन किया जाएगा। और इस सत्र के संचालक के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर अंकित जोशी। डॉक्टर अंकित जोशी राजनीति शास्त्र विषय से स्वर्ण पदक प्राप्त हैं, इसके साथ ही UGC नेट और सेट भी आप प्राप्त हैं। राज्य स्तर पर दीक्षा CCE लर्निंग आउटकम CSLES और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के आप राज्य संदर्भ दाता हैं, तो हम आपके अनुभवों का इस सत्र में लाभ उठाएंगे। आमंत्रित हैं डॉक्टर जोशी। सर, थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड JD सर, JD मैम, डिप्टी डायरेक्टर मैम, असिस्टेंट डायरेक्टर मैम और बाकी मेरे सभी साथी, मैं खुश नसीब हूँ कि आप लोगों का अनुभव को हम इस प्रशिक्षण में डालने की जो योजना है और उसके लिए आप लोग हमें हमारे साथ बने हुए हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं, JD मैम ने, सर ने, विजलवान सर ने, काफ़ी लंबा अनुभव है, बहुत बातें हुई हैं। क्वालिटी क्या है, होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं आ रही है, क्या है ये क्वालिटी, ये वैसे ही हो गया, विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो रहा है, और अगर क्वालिटी नहीं है तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसके लिए ज़िम्मेदार आप और हम हैं और कोई नहीं है। एक आम आदमी से पूछते हैं कौन ज़िम्मेदार है, बोलता व्यवस्था ज़िम्मेदार है। व्यवस्था में कौन है आप और हमें, जितना मैं ज़िम्मेदार हूँ उतना ही आप ज़िम्मेदार हैं। तो इस बार निदेशक मैम और सचिव मैम ने जो जो गाइडलाइंस दी हैं मॉड्यूल को बदल करके कैप्सूल मोड में ले जाने के लिए ट्रेनिंग, उन सभी सुझावों को सम्मिलित करते हुए जो फ्रेमवर्क हमने तय किया है, SERT ने जो तय किया है सर्वसम्मति से, वो अभी टेंटेटिव है, सुझावात्मक है। तो एक शब्द और है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शब्द गढ़े जाते हैं, हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन, वही मैं आप लोगों से चाहूँगा, ये कैप्सूल का प्रारूप क्या होगा, ये ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग इतने सालों से हो रही है, इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, अगर इस ट्रेनिंग का कोई असर नहीं है तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके उलट हमें इस ट्रेनिंग को सुधारना चाहिए। अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जो एक लेवल लग गया कि ट्रेनिंग का आउटकम उतना नहीं आता है जो एक्सपेक्टेड होता है, कि वही हाल है शिक्षा व्यवस्था में, जो बच्चे का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो बच्चा अचीव नहीं कर पाता। तो आपका अनुभव एक ओर तो मैं फायदा लूँगा और दूसरी ओर उस अनुभव में मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का डिज़ाइन सामने आ रहा है ये नई चीज़ है, ये कोशिश ये भी है कुछ नया तरीके से चला जाए, और जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमारे पुराने जो पूर्वाग्रह होते हैं वो पीछा नहीं छोड़ते, बोलते नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारे लिए चुनौती है कि कैसे हम थोड़ा इनोवेटिव वे में ले जाएं ट्रेनिंग, हमें पता है इसका असर कम हो रहा है तो कैसे हम इसे असरकारी बनाएं, ये हमारे लिए चुनौती है। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कहलाती है, इस पूरे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप ट्रेनिंग के एरियाज क्या होंगे, ट्रेनिंग का मोड क्या होगा, वो कौन सा विषय है जिस पर आपको लगता है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग दोगे कैसे, क्योंकि एक बच्चा भी अगर क्लास फर्स्ट में भी स्कूल में आ रहा है तो बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, वो ऑलरेडी नॉलेजफुल है, उसका लेवल थोड़ा कम है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ तो हम टीचर के लिए हैं। अब बात अगर टीचर की हो रही है तो पहले हम टीचर के सामने अपनी हैसियत को देख लें, भाई
कि टीचर की शिक्षा व्यवस्था में टीचर के सामने हम है का एक छोटा सा ये मैंने बनाया है। स्कूल में होता क्या है, स्कूल क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया स्कूल, आप लोग आंसर दीजिए, बच्चों के लिए क्यों, पढ़ाई के लिए, पढ़ तो घर में भी सकते हैं, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। अच्छा क्या वो बाहर नहीं हो सकता, बिना स्कूल के बाहर क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, समाज में तो आप कलेक्टिव रहते हो, बच्चों के एक एज ग्रुप होता है, एक फैक्टर होता है, एज ग्रुप में सर एक साथ बच्चे सीखते हैं तो वो भी पाएगा। अरे स्कूल में सही डायरेक्शन में होगा उनका विकास, सही डायरेक्शन में होगा आपका, वो भी सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन तय करेगा, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बच्चे के सीखने की, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं सर, पहले तो पूरा प्रोसेस में टीचर पहले और जो सिलेबस है, सिलेबस बताएगा कि क्या डायरेक्शन है सही, और टीचर और टीचर जो है वो सही नॉलेज नहीं है, जहाँ पर टीचर और टॉट, टीचर और स्टूडेंट के लिए एक माकूल माहौल आपने बनाने की कोशिश की, हो रहा है शिक्षण और अधिगम। अब यहाँ पर बच्चा पहले अधिगम कर रहा था, उसके सोर्सेस कुछ भी थे, माता थे, पिता थे, टेलीविजन था, ऑडियो वीडियो सोर्सेस, बहुत सारी चीजें जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे वो वहां से सीख रहा था। अब स्कूल में आ गया है, स्कूल में एक नई चीज मिल गई है, बोले टीचर है, टीचिंग हो रही है, मतलब ये टीचर फोकस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। अब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उसके लिए पूरी व्यवस्था बन गई, स्कूल बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बन गया, एससीईआरटी डाइट्स बन गए, लेकिन ये किसके लिए बने हैं, ये बने हैं इस टीचर को सपोर्ट करने के लिए। हम टीचर को यहाँ से डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि तुम ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हाँ अगर हम इतने काबिल हैं तो हमारे लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती है, अगर हम इस कैप्सूल को इतना ले जाए, इस हद तक ले जाए कि वो इसको सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिशनर है, ये प्रैक्टिस कर रहा है ऑलरेडी क्लासेस में, हम बोल रहे क्वालिटी, वो तो क्वालिटी के लिए काम कर रहा है, हम बोल रहे असेसमेंट सीसी होना चाहिए, वो तो कर रहा है उसे, हम बोल रहे अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या हम इतने काबिल हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बना पाए टीचर को सपोर्ट के लिए। उसके बाद बच्चा जब इस सिस्टम से बाहर आ गया, उसके बाद उसकी लर्निंग होती है, अब ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने सीख लिया, ये पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने सीख लिया, एग्जाम्स करवाए, एग्जाम तो होते रहते हैं पर फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम है, अब किसी को आ रहा है कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई बोल पा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है क्या बोले, बच्चा डेमोस्ट्रेट करेगा, बच्चे ने जो सीखा वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा बच्चा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्वालिटी नहीं आ पा रही, हम कह रहे भाई क्वालिटी नहीं है, कहाँ है क्वालिटी, अरे हमारे यहाँ से जो बच्चा निकल के आ रहा है वो जो हमने ये डिजाइन सिस्टम में भेजा था, उसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भेजा था और उसके एक एक स्टैंडर्ड हमने तय कर दिए
और उन स्टैंडर्ड्स को नापने के हमने तरीके 50 बता दिए। हम लर्निंग आउटकम ले आए कि एक साल बाद बच्चे को ये आ जाना चाहिए, दो साल बाद ये आ जाना चाहिए, बच्चा उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्वालिटी नहीं है। अब बात आती है, ये तो एक जनरल ओवरव्यू है, ये ओवरव्यू इसलिए है कि हम इस टीचर के लिए क्या ऐसा कुछ बना पाएंगे। अब ये टीचर क्या है, पहले तो बच्चा ही कुछ सीख करके आता है, टीचर तो सिखा रहा है, ट्रेनिंग करती है ना आपको। अब ट्रेनिंग क्या कराएं, कैसे कराएं, ट्रेनिंग होती क्या है, ट्रेनिंग इतने सालों से ट्रेनिंग हो रही है, सब बोल रहे कुछ असर भी नहीं हो रहा है, कोई बोल रहा बंद ही करा दो, कोई बोल रहा कुछ करा दो। इन इंस्टीट्यूशंस का काम है कि इसको इसकी मदद करें। अच्छा, टीचर का रोल अब क्या हो गया, अब सीख तो बच्चा बिना टीचर के भी रह रहा था, यहाँ भी तो सीख ही रहा था, यहाँ से जाने के बाद भी सीखेगा, आप सब ने सीखा, ये टीचर उसके लिए फैसिलिटेटर, टीचर इज इक्वल टू फैसिलिटेटर हो गया। तो पहले क्या समझती, पहले ये समझती कि सारा ज्ञान टीचर के अंदर है और टीचर सारा ज्ञान बच्चे को देगा, लेकिन जब समझ में आया बच्चा तो ज्यादा कहीं ऐसा ज्ञान भी दिखा रहा है जो टीचर के पास नहीं था, ये कहां से आ गया, ये ऐसे आ गया क्योंकि बच्चा लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर कहीं हो रही है, हर कहीं पर लर्निंग हो रही है, कहीं आप कुछ सीखते हो, कहीं आप कुछ सीखते हो, कहीं आपका कॉन्शियस माइंड सीखता है, कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है। तो जो आप डेमोंस्ट्रेट कर रहे हो सिर्फ फॉर्मल लर्निंग नहीं है। जब हमने स्कूल बना दिया, स्कूल तो फॉर्मली डिजाइन है ना, हमने सोच रखा है अब इसको क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अब बात आएगी कि भाई अब उसके लिए करिकुलम बनाना पड़ेगा पहले। अब ये करिकुलम पे भी मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ पर भी जोर है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, किसी ने बोला था ना सर कि हम बच्चे को डायरेक्शनल उसकी ग्रोथ को चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन का जो मेरे लिए मेन चुनौती है कि अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस बार की जो हम ट्रेनिंग को एक परिवर्तन के लिए ले जाना चाह रहे हैं, उसमें मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिए, मतलब बिल्कुल हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन करके आप इसमें बात रखिएगा। जो आपको कन्फ्यूजन होता है नोट करिए, उसके बाद आधा घंटा एक घंटा चर्चा करेंगे पूरे डिज़ाइन पर, और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा जो डिज़ाइन है ये कुछ अलग कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये असर डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है, किसके रेफरेंस में, इनडायरेक्टली तो बच्चा है लेकिन हमें टीचर के थ्रू बच्चे तक पहुँचना है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, आज हम यहाँ बैठ गए एक हफ्ते के लिए। एक और चीज है, हमारे प्रोग्राम से गुणवत्ता ही बोलना पड़ेगा, गुणवत्ता ना आने के पीछे एक ये भी कारण है कि हम कुछ भी बना दें उसकी कोई समीक्षा तो होती नहीं, कौन समीक्षा करेगा, हमने अच्छा कैप्सूल डिजाइन किया है भी क्या, इसकी समीक्षा कौन करेगा, कोई नहीं, इसलिए जो जैसा समझेगा वो वैसा मानेगा, तो उसके सफलता के पैमाने क्या होंगे। और कुछ हो ना हो, एक तो जरूर है जिसके लिए हम ये डिजाइन कर रहे हैं, टीचर जिसके लिए हम ये डिजाइन कर रहे हैं, क्या वो उसे संतुष्ट है या नहीं है, क्या उसे लगा कि नहीं, क्या लगा, हमें यहाँ करना क्या है, इसे एक हफ्ता है, हम आज आपसे बात कर रहे हैं, इसके बाद सीधे चौथे दिन बात करेंगे, इसलिए जो कोई कन्फ्यूजन वगैरह कुछ भी हो सब नोट करिएगा, बात करिएगा, इसके बाद ग्रुप्स बन जाएंगे, कल से ग्रुप वाइज काम होगा और इन हाउस बैठेंगे सीधे चौथे दिन, क्योंकि 7 दिन तक कैप्सूल आना चाहिए, ये हमारी सीमा है। तो हम यहाँ बैठे हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो टीचर के प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाए। अब टीचर के तो बहुत सारे एरिया हैं, अगर हम यहाँ पर टीचर के लिए काम कर रहे हैं तो उसका सोशल एरिया है, उसका निजी पर्सनल एरिया है, हम उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि टीचर का प्रोफेशनल परफॉर्मेंस बढ़े, प्रोफेशनली टीचर अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए हमें कैप्सूल डिजाइन करना है, इसके लिए हमें एक्टिविटीज सोचनी है। इसमें और क्या क्या है, इसमें और यह है कि टीचर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द नीड्स एंड डिमांड्स अराइजिंग इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट। आज की तारीख में स्कूलों से जो अपेक्षा की जा रही है उसे फुलफिल करेगा कौन, पंखा भी दे दिया, लाइट भी दे दी, पर स्कूल की जो डिमांड है क्वालिटी एजुकेशन, अल्टीमेट परफॉर्मर कौन है उसमें, बच्चे के लिए अल्टीमेट फैसिलिटेटर है कौन, टीचर। तो क्या हम इस हद तक कर पाएंगे, ट्रेनिंग की जगह हमें ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, होता क्या है, ट्रेनिंग में बेसिकली तीन चीजें हैं, इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी, जो भी हम कैप्सूल बनाएंगे